दोस्तों DSSB की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आई हुई है 2023 के लिए। हाँ जी दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB से जुड़ी सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है ऑल ओवर इंडिया। चाहे आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/23। तो आप देखेंगे तो आज 30 मार्च 2023 है, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2023 है। दोस्तों, ये एक रिमाइंडर वीडियो है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन थी इस रिक्रूटमेंट की और आप एलिजिबल थे, आवेदन कर चुके हैं, तो बड़ी ही अच्छी बात। और अगर आपको पता ही नहीं था कि DSSB की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आई हुई है और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार में शॉर्ट में दोबारा से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। दोस्तों, नोटिफिकेशन वैसे 24 फरवरी 2023 को ही आ गया था। 9 मार्च 2023 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 7 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगी। पदों का विवरण मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो सभी वैकेंसी आई हुई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन DSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के लिए है और DSSB की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है निकल के। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये पोस्ट कोड है, ये पद का नाम है, ये डिपार्टमेंट का नाम है, ये ग्रुप है, ग्रुप बी की है, सी की है, डी की है, ये ग्रेड पे है, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां, और यहाँ ये टोटल वैकेंसियां दी गई हैं। तो यहाँ इंस्ट्रक्टर मिल राइटर की 7 वैकेंसियां, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर की 2, मेंटेनेंस मैकेनिक की 1, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की टोटल 9 वैकेंसियां हैं फॉर NTC, STC, NSC होल्डर और डिग्री डिप्लोमा होल्डर, दोनों के मिला के मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार की आगे भी हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल की टोटल 30 वैकेंसियां हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन की 5 वैकेंसियां हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिल्टर की यहाँ जो वैकेंसी है वो 13 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की यहाँ टोटल 18 वैकेंसियां हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की टोटल 9 और 7 16 वैकेंसियां हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी की टोटल 14 वैकेंसी हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर की 4 वैकेंसी, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 8 वैकेंसियां हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 3 वैकेंसियां और भी हैं। इसी तरह से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी की 8 वैकेंसियां हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर की 8 वैकेंसी है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन में जो वैकेंसियां हैं वो हैं 4, सभी ग्रुप बी की हैं, ग्रेड पे 4200 है सभी का, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की टोटल वैकेंसियां हैं 8, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट की वैकेंसी है 5, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 5 और 1 6 वैकेंसी है, और इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर की 18 वैकेंसी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर की 26 है, वर्कशॉप अटेंडेंट की 45 वैकेंसियां, कुल 258 वैकेंसियां आई हुई हैं। दोस्तों, इसमें सभी वैकेंसियां ग्रुप बी की हैं, सिर्फ एक को वर्कशॉप अटेंडेंट को छोड़ के। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए हैं, तो टेक्निकली कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैक्सिमम पदों के लिए, पर जो सीरियल नंबर 29, 30, 31 पे जो वैकेंसियां हैं इनके लिए नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो ₹100 एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है वुमेन कैंडिडेट्स को लिए, SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल, OBC को 3 साल, PWD 10 साल, PWD SC ST को 15 साल, PWD OBC को 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है, और भी कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है जो रिक्रूटमेंट आई हुई है DSSB की तरफ से, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं DSSBonline.nic.in। तो यहाँ आप देखेंगे करंट वैकेंसीज का सेक्शन पे ये सभी पोस्ट आपको दिखाई दे जाएंगी, और अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं DSSB के लिए तो यहाँ क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक करके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको साइन इन करना होगा, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं।